नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल नर्सिंग स्कूल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग ये न्यूज़ सुन के काफ़ी ही खुश हो जाएंगे और अच्छे भी हो जाएंगे। अगर अच्छे नहीं हैं तो और भी अच्छा होना है तो इस न्यूज़ को एंड तक ज़रूर देख लेना। काफ़ी ही अच्छी न्यूज़ है और काफ़ी ही अच्छी वीडियो है और सब कुछ अच्छा है। अब इस वक्त सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा होगा, आई नो। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? स्टार्ट कर लेते हैं। एम्स नॉर्थसाइड 2022, आपको चल गया होगा पता मेरी पिछली वीडियो में कि एम्स नॉर्थसाइड निकल चुका है, बट क्या आपको ये मालूम है एम्स नॉर्थसाइड 2022 की तरफ से NITRD, ठीक है? NITRD का मतलब क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिजीजेस, ठीक है? तो इन्होंने पोस्ट निकाली है, ओके। एंड जो नाम है, नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है, पे लेवल आपका 7 रहने वाला है, सेम एज इट इज़ एज अ नॉर्थ सेट। लेकिन यहाँ पे ये है कि GNM, BSc, पोस्ट बेसिक BSc तीनों में से कोई भी अप्लाई कर सकता है और साथ ही साथ रजिस्टर्ड नर्स विद स्टेट एंड नर्सिंग काउंसिल, ठीक है? कहीं का भी रजिस्ट्रेशन आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एज लिमिट मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो देख ली होगी तो आई नो आपको काफ़ी इजी रहेगा। इसमें एज रिलैक्सेशन सेम है, फीस भी सेम है, ठीक है? जनरल OBC वाले 3,000 देंगे, SC ST और EWS वाले 2,400 देंगे, और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है वो एक्सेम्प्टेड है, ठीक है? और ये जो फीस है वो रिफंडेड नहीं है, ठीक है? बता दूँ रिफंडेड नहीं है, लेकिन जो SC ST वाले कैंडिडेट हैं जो एग्ज़ाम में अपीयर होंगे उनको रिज़ल्ट आने के बाद जो ये फीस है रिफ़ंड कर दी जाएगी, ठीक है? और जो मेन बात है, एग्ज़ाम कब है? 11 सितंबर। तो 11 सितंबर 2022 संडे के दिन आपका एग्ज़ाम रहने वाला है, ठीक है? आगे देख लेते हैं, यहाँ पे भी सेम है एकदम, ठीक है? 4 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक इसकी डेट है, लास्ट डेट है 21 अगस्त, और 4 अगस्त को इसका टाइम स्टार्ट हो चुका है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर आपने मेरी फॉर्म फिलिंग वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप फॉर्म फिलिंग वाली वीडियो देख लेना, शुरू से लेके एंड तक कैसे फॉर्म फिल करना है मैंने पूरा एकदम डिटेल में बता रखा है, आप वहाँ जाके देख लेना, ठीक है? ओके। और जो है रजिस्ट्रेशन बहुत केयरफुली करना है, ठीक है? क्योंकि अगर गलती हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। और करेक्शन के लिए जो साइट है फिर से रीओपन होगी रजिस्ट्रेशन को करेक्ट करने के लिए 22 अगस्त से लेके 23 अगस्त तक, ओके। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे इन्होंने एज रिलैक्सेशन बोल रखी है SC ST वालों के लिए, आप देख लो, यहाँ पे पढ़ लो, ठीक है? जो ये मैंने वेबसाइट है ना नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, डिस्क्रिप्शन में जाके है ना ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके PDF पढ़ लेना पूरा अच्छे से डिटेल में, उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट करना आप, ठीक है? SC ST और सबका आप देख लो, यहाँ पे कैटेगरी में बोल रखा है मैंने, यहाँ देखो SC ST 5 साल, OBC 3 साल, PWD 10 साल, ठीक है? और बाकी जितने डिसेबिलिटी वाले हैं विद कैटेगरी उनका भी अलग अलग है, ओके। बात रही सिलेबस की, उसकी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी आपके लिए, ठीक है? अब सबसे बड़ी वो है यहाँ पे बात, इसकी कितनी वैकेंसी है, ठीक है? ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ पे आप देखो 11 पोस्ट है ओनली, ये यहाँ पे सबसे बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट है, सबसे नेगेटिव पॉइंट। 3,000 रुपये की हम इनको पेमेंट करेंगे, और किस लिए? सिर्फ एक पोस्ट के लिए? सिर्फ एक पोस्ट के लिए? 3 पोस्ट के लिए? 5 पोस्ट के लिए? तो ये तो बहुत ही बड़ा मजाक करा है एम्स ने हमारे साथ, बहुत ही बड़ा मजाक है ये, एक बोलते ना बस एक काम बना रखा है ये फीस लेने का। बिकॉज अगर इस वाले लाइन में तो इतनी महंगी फ़ी होनी नहीं चाहिए थी, अगर 5 सीट है तो, ठीक है? टोटल 11 है, कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, ठीक है? तो टोटल 11 पोस्ट है, जनरल की 5 है, जनरल की 5 है, OBC की 3 है, SC ST और EWS की एक एक ही है बस, ओके। तो आप देख लो यहाँ पे कितनी वैकेंसी है और उसके अकॉर्डिंग ही आप फॉर्म फिल करना कि आपको एम्स नॉर्थ सेट फिल करना है या आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर वाली वैकेंसी फिल करनी है।
बाकी एडमिट कार्ड, एम्स की टेस्ट सीरीज, जितनी भी चीज़ें हैं, सिलेबस, वो सब कुछ मैं आने वाली वीडियो में आपको देने वाली हूँ दोस्तों। तो वीडियो को और चैनल पे अपडेट रहना, चैनल पे अपडेट रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साइड का बेल आइकन भी प्रेस करना होगा। ओके, तो आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।